अस्सलाम वालेकुम, रिव्यूज मास्टर पी के में खुश आमदी। चेक करें जी, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग वीवो वाई ट्वेंटी पे एक गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि पबजी टेस्ट करने वाले हैं वीवो वाई ट्वेंटी पे। तो भाई वो सबसे ज़्यादा जो है वोट किए गए थे कि भाई वीवो वाई ट्वेंटी की पबजी टेस्टिंग करें। मैंने कम्युनिटी टैब में आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने कहा था भाई डायरेक्ट इस डिवाइस का पबजी रिव्यू लेके आएँ। तो भाई फाइनली आप लोगों के लिए एक पबजी रिव्यू लेके आए हैं। तो सबसे पहले जी बात करते हैं इस डिवाइस की प्राइस टैग से। तो भाई 26,000 पे इस डिवाइस की प्राइस है। इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर डाला गया है जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी करने वाला है। इस डिवाइस में 4GB रैम है, 64GB बिल्ट इन स्टोरेज है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि भाई इस डिवाइस के जो ग्राफिक्स हैं वो हमें 720p देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पबजी की बात करूँ तो पबजी के जो रेजोल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो हैं HD, और जो फ्रेम रेट है वो हाई पे ये डिवाइस सपोर्ट कर रही है। अब आप लोगों के सामने है, अगर आप लोग हाई फ्रेम रेट पर इस डिवाइस पर पबजी खेलते हैं तो भाई थोड़ी सी लैग तो करेगी। जहर सी बात है कि इतना अच्छा तो इसका प्रोसेसर है नहीं, या फिर कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो इस डिवाइस की है नहीं। 5000mAh की इस डिवाइस में बैटरी डाली गई है और साथ बॉक्स में 18W का फास्ट एडॉप्टर है, यानी कि बैटरी का कोई मसला नहीं होगा। आप लोग जितनी मर्जी जो है वो पबजी गेमिंग करें, इतना ज़्यादा कोई इशू हमें देखने को नहीं मिलेगा। और साथ साथ इस डिवाइस में मुझे कोई हीटिंग प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिल रही। पबजी गेम प्ले आप लोगों के सामने, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मुझे कोई इतना खास या कोई इतना ज़्यादा लैगिंग या फिर कोई डिले भी देखने को नहीं मिल रहा। काफ़ी अच्छी ये परफॉर्मेंस दे रहा है पबजी के लिहाज से, लेकिन अगर मैं इसे फुल HD ग्राफिक्स में चलाऊँ या फिर इसको इसका फ्रेम रेट हाई कर दूँ तो देन थोड़ा सा जो है मुझे लैग देखने को मिलता है। तो अब आप लोगों पर है कि आप लोग इस डिवाइस को परचेज़ करेंगे या नहीं। इस डिवाइस के अगर मैं रेटिंग के लिहाज से बात करूँ तो भाई पबजी के लिहाज से मैं इसको तकरीबन 10 में से 8 मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ 10 जो है मैं इस डिवाइस को 8 रेटिंग दूंगा। और अगर कैमरे की बात की जाए तो कैमरे को तो मैं जस्ट 6 दूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो भाई कैमरा मुझे नहीं पसंद आया, गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। और डिवाइस जो है वो 26,000 रुपये के लिहाज से मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रैम रोम तो हर डिवाइस जो है तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये वाली भी डिवाइस जो है वो 4-4 GB रैम दे रही हैं, तो कोई इतनी अच्छी डिवाइस ये वीवो वाई ट्वेंटी हमें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी मिड रेंज में एक अच्छा ऑप्शन हमारे सामने आ सकती है। इस डिवाइस के अगर डिस्काउंट की बात करें तो भाई आप लोगों को इजीली मार्केट से 24,500 तक डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो इस डिवाइस को बाय करने में कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई अगर आप लोगों का बजट 25,000 हो तो क्या आप लोग वीवो वाई ट्वेंटी बाय करना पसंद करेंगे, या फिर इन्फिनिक्स हॉट 10 का 6GB वाला मॉडल बाय करना पसंद करेंगे, या फिर इन्फिनिक्स नोट 7 का 6GB वाला मॉडल बाय करने की सोचेंगे। तो मुझे ये सारी बातें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस डिवाइस के लिहाज से जो आप लोग के ओपिनियंस हैं मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आई होप ये छोटी सा पबजी गेम प्ले आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने पर्सनल ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने उसको इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।